गाइस, आज मैं आपको जीएनएम थर्ड ईयर की गायनेकोलॉजी के बारे में बता रही हूँ। गायनेकोलॉजी में हम प्रेग्नेंट वुमन के बारे में स्टडी करते हैं, तो आज मैं आपको प्यूपेरल सेप्सिस बताऊँगी। प्यूपेरल सेप्सिस एक सूतिक अवस्था होती है जिसमें प्रेग्नेंट वुमन होती है ना जिसके जननांगों में होने वाले इन्फेक्शन, सूतिक अवस्था के दौरान होने वाला इन्फेक्शन क्या कहलाता है? प्यूपेरल सेप्सिस। प्यूपेरल सेप्सिस प्रेग्नेंट वुमन के जननांगों में होने वाला संक्रमण सूतिक अवस्था कहलाता है। तो हम इसके कारण जानेंगे किस कारण से ये उत्पन्न होता है। तो ये है स्टेप्टोकोकस वायरस के कारण, स्टेफाइलोकोकस अवेरियस के कारण, क्लेबिसेला के कारण, क्लेमाइडिया के कारण भी हो सकता है, और स्टेफाइलोपायोजेंस तथा ईकोलाई और स्यूडोनोमास के कारण भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। स्यूडोनोमास। तो हाई रिस्क फैक्टर, तो ये गर्भावस्था के दौरान के कारण इसकी वजह से कुपोषण एवं एनीमिया, इसकी वजह से हाई रिस्क फैक्टर प्रेग्नेंट वुमन के साथ उत्पन्न हो सकते हैं। तो हाई रिस्क फैक्टर में कुपोषण व एनीमिया, मतलब माल न्यूट्रिशन एवं एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। समय पूर्व प्रसव, समय अवधि से पहले ही प्रसव हो सकता है। समय पूर्व झिल्ली का फटना, प्लेसेंटा का फट जाना समय पूर्व, इससे बेबी की डेथ भी हो सकती है और फीमेल की भी जान खतरे में हो सकती है। क्रोनिक बीमारी एक प्रेग्नेंट वुमन में होने वाली लंबे समय तक की बीमारी है, जिसके कारण भी ये प्यूपेरल सेप्सिस हो सकती है। प्रोलॉन्ग लेबर प्रसव की अवधि 18 घंटे से अधिक हो जाए, जिसमें प्रसव की अवधि 18 घंटे से ज़्यादा हो जाए, तो प्रसव के दौरान बार बार योनि का प्रक्षेपण करना, निर्जलीकरण एवं कीटोएसिडोसिस करना, ऑपरेशन के कारण रक्त स्त्राव भी हो सकता है और गर्भाशय के अंदर प्लेसेंटा झिल्ली के भाग रह जाना और गर्भाशय के अंदर ही प्लेसेंटा व झिल्ली के कुछ भाग अंदर रह जाना, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है और सीजरियन डिलीवरी भी हो सकती है। तो हम आपको इनके साइन एंड सिम्टम बताएंगे, मतलब प्यूपेरल सेप्सिस के लक्षण व चिन्ह, साइन एंड सिम्टम किस इसके कारण हमारे शरीर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम। लोकल इन्फेक्शन, तो शरीर के तापमान का बढ़ना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर हाई होना, हेडेक होना मतलब सिर दर्द होना, घाव में लालिमा एवं सूजन, एडिमा की कंडीशन हो सकती है या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है, घाव में पस का स्त्रावण, ठंड व कपकपी के साथ बुखार, गर्भाशय संक्रमण, शरीर का तापमान बढ़ना, हृदय की गति अधिक होना। तो हमने ये सब समझा और इसमें डायग्नोस, हम इसका डायग्नोस जानेंगे। तो इसमें यूरिन एग्जामिनेशन किया जा सकता है और ब्लड परीक्षण भी कराया जा सकता है, मतलब ब्लड टेस्ट भी करा जा सकता है। घाव के पस का स्वैब लेकर परीक्षण करना, सोनोग्राफी करना और एक्सरे चेस्ट एक्सरे करना, उससे प्रेग्नेंट वुमन की जितनी भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है उसका पता लगाया जा सकता है। तो हम इसके प्रबंधन करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, किस प्रकार प्यूपेरल सेप्सिस को ख़त्म किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान महिला के साथ
महिला के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना एवं वह हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाना। प्रसव के दौरान सेप्टिक टेक्निक का सख्ती से पालन करना। सीजरियन सेक्शन के दौरान एंटीबायोटिक उपयोग बचाव के तौर पर किया जाता है। प्रसव पश्चात घाव को असेप्टिक टेक्निक से ड्रेस की जानी चाहिए। महिला व शिशु के पास मिलने जुलने वाले की संख्या कम से कम रखनी चाहिए। संक्रमित माँ शिशु और आइसोलेशन में रखा जा संक्रमित माँ व शिशु को आइसोलेशन में रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले या फिर बच्चे को ज़्यादा संपर्क में आने से इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है, तो बेबी को आइसोलेशन में रखना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट, हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो महिला के वाइटल साइन चेक कर रिकॉर्ड किया जाता है। महिला की वाइटल साइन को चेक करते हैं और फिर बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। महिला के हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने व एनीमिया के लिए मुंह से आयरन दिया जाता है व आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी किया जाता है तथा निर्जलीकरण के उपचार के लिए आईवी फ्लूड व कैलोरी दी जानी चाहिए। टीपीआर चार्ट मेंटेन किया जाता है। घाव के स्त्राव व रक्त परीक्षण के आधार पर चिकित्सा के निर्देशन अनुसार एंटीबायोटिक देनी चाहिए। घाव की नियमित रूप से सफाई असेप्टिक तकनीक से की जानी चाहिए। पस को निकालने के लिए चिकित्सा द्वारा शल्य क्रिया की जाती है व विधि के अनुसार नर्सिंग देखभाल की जाती है। तो आज हमने प्यूपेरल सेप्सिस के बारे में जाना। तो प्यूपेरल सेप्सिस एक बहुत रेयर कंडीशन होती है जो प्रेग्नेंट होने के बाद में जो सूती व्यवस्था होती है उसमें होती है। तो अगर आपको मेरा प्यूपेरल सेप्सिस का टॉपिक समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।